आज हम जा रहे हैं बस के द्वारा अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने भैया के घर, और साथ में छोटी बहन भी है। तो देखिए, राखी से हम पहले एक दिन पहले जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए कितनी भीड़ भाड़ है बस में। और बाहर का नज़ारा तो काफ़ी खूबसूरत है, रास्ते का नज़ारा, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ है कि कुछ पूछिए मत। क्योंकि त्योहारों के टाइम पर ऐसे ही होता है, बस में बड़ी भीड़ भाड़ रहती है और रास्ते में भी ट्रैफिक जाम वगैरह मिलते रहते हैं। तो बस हम यही अब अपने घर के लिए चल दिए हैं। और बस काफ़ी त्योहारों पर तो अपने घर पर जाने का, अपने भाई भतीजे से मिलने का खुशी अलग ही होती है, और साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार, तो खुशी खुशी हम दोनों बहनें चल दी हैं अपने मायके। और ये देखिए रास्ते का सुंदर नज़ारा, रास्ते में बाजार। इसके भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लूँ आपको दिखाने के लिए। तो अब बस हम थोड़ी देर में ही अपने घर पहुंचने वाले हैं। देखिए हम अपने घर पहुंच गए हैं। अच्छा, और मदद करने वाला कोई चाहिए? अच्छा, अंदर पहुंच गई हूँ अपने मायके। अभी तो फिर जी के मामा नहीं आए, कल को आएंगे है ना? जी के मामा कल को आएंगे? फिर सारे टॉयज कर लिए हैं तो भाई, पूरी दुकान सी लग रही है इनके तो टॉयज की, है ना? इतने सारे लोग भरे हुए हैं इस घर में, बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे। यहाँ से भी निकाल सकते हैं कभी कभी। अच्छा, इसका हम कुछ मिला मुझे, देखिए अपने भतीजे के बेटे के साथ बात करते क्या मिला। अच्छा लग रहा था, छोटे बच्चे मन लगाए रखते हैं। और अपनी अम्मा और अपनी भाभी से हम मिल लिए हैं। इस टाइम आपको घर खाली सा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि भाभी जो है हमारी कुछ काम में बिजी है। और साथ में देखिए सब रिश्तेदार आए हुए हैं, भतीज बहू वगैरह हमारे इस टाइम वो आ नहीं सकी, वो बिजी थी। बाकी वो सब आए हुए हैं, बहने हैं, भतीजी है, भतीजे हैं। तो राखी का त्यौहार खुशी का त्यौहार उल्लास के साथ हम मनाते हुए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ अपने भाई। और ये पहली बार मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे भाई, मेरे भैया, मेरा भतीजा। चलिए लोग नहीं बनाएगा, तो इनको मैंने बड़े प्रोसीजर करना पड़ेगा ना, प्यार के साथ हम राखी। ये तो खुलने वाला नहीं है, बांधते होंगे मेरा वाला। हाँ, मेरे तो फोन बचा करके उससे देखिए। यही है कुछ यादें, अगर अपने वीडियो में फ़ोटो में आप खींच लो तो यादें जो है हमारी कैद हो जाती हैं, और आप कभी भी उन देखना चाहें तो वीडियो के द्वारा, फ़ोटो के द्वारा उन्हें दोबारा से देख सकते हैं, जो कि क्योंकि बाद में अगर आपका जब भी मन करे देखने का तो खुशियां देती हैं ऐसी छोटी छोटी यादें आपको। तो ये होते हैं हमारे लिए खुशी के पर्व, त्यौहार, तीज त्यौहार जीवन में खुशियाँ लाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे अपने मायके पहुंचकर, समझो मेरा लगभग 1 साल के बाद ही आना हुआ है। चाहे भले ही कितने पास ही रहते हो, पास मतलब पास भी नहीं है इतने, लेकिन यही है कि घर गृहस्थी में इतने काम हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार तो ऐसा है, तो इसमें भी अपने ये है, चाहे हम कितने भी बिजी हों तो अपने भाई भतीजे को राखी बांधने के लिए तो दौड़े चले आते हैं, मन ही करते हैं अपने भाई और भतीजों को राखी बांधने के लिए। वैसे तो हम दो बहनें ही आई, बाकी और हमारी 3 बहनें जो दूर रहती हैं वो आ भी नहीं पाई। लेकिन यही है कि राखी तो वो हर साल भेज देती हैं, उनके बदले हम नहीं बांधती राखी अपने भैया और भतीजे को।
और भाभी को भी हमने राखी बांध दी थी, लाए तो हम अपने भतीजबहू के थे, वो किसी कारणवश से आ नहीं सकी, तो चलो कोई बात नहीं, वो हमने अपने भाभी को ही दे दी थी राखी अपने भतीजबहू की। तो यही अपने भाई बहनों के प्यार का त्यौहार बहाने बहने अपने भाई के घर सभी बहनें खुशी खुशी जाती हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, आप लोग भी जाते होंगे। तो बहन बेटियों को अपने घर जाकर एक खुशी का एहसास तो होता ही है। अब मेरी छोटी बहन भी राखी बांध रही थी रिया को और भतीजे को, बस हम दो ही बहनें आ पाई। यही है टाइम के टाइम, तीज त्यौहार के टाइम पता नहीं चलता कब किसी को क्या इमरजेंसी आ जाए, तो चलो कोई नहीं, फिर भी ये है जो नहीं आ पाता उसकी कमी तो खलती है, लेकिन यही है कि त्यौहार अच्छे से मन जाए और क्या है। आप सब लोगों ने भी, मैं यही आशा करती हूँ कि बहुत हंसी खुशी के उल्लास के साथ राखी का त्यौहार को मनाया होगा, और मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ भगवान सबके जीवन में हर साल राखी का त्यौहार इसी हर्ष उल्लास और खुशी के साथ आए और आप सब लोग इसी तरह हंसी खुशी अपने इस त्यौहार को मनाते रहें। ये तो भाई बहन के रिश्ते होते हैं प्यार के स्नेह के, त्यौहार कोई भी हो काम तो बढ़ ही जाता है। दो चार जने के आने से तो काफ़ी गहमा गहमी हो रही थी, तो क्योंकि वैसे तो सब अपने घरों में अकेले रहते हैं, जब तीज त्यौहार होता है तो दो चार मेहमान बाहर के भी आ जाए तो काम तो बढ़ ही जाता है, तो काफ़ी बिजी भी थे और सब लोग आए हुए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था सबके साथ, क्योंकि सबसे मिलने का जो मौका है वो तो कभी कभी मिलता है जब सब लोग इकट्ठे हो जाए, तो ये है उसका आनंद तो अलग ही होता है। एकदम से चहल पहल पूरी हो रही थी हमारे घर में, तो काफ़ी रौनक लगी हुई थी, और साथ में अगर बच्चे हों तो बच्चे तो आप जानते हैं कितना मन लगा कर रखते हैं, तो काफ़ी समय बाद हम आए लेकिन बहुत अच्छा लगा अपने भाई भतीजों को देखकर, सबको ही अच्छा लगता है। ये इसी बहाने अपने यही है तीज त्यौहार के बहाने अपने घर भी चले जाओ, अपने भाई भतीजों से भी मिल लो, और मिलना का मिलना हो जाता है और त्यौहार भी मन जाता है हंसी खुशी के साथ। यूँ तो ज़िंदगी में सारे काम लगे ही रहते हैं, तो हमने तो पूरे खुशी खुशी ये रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाया। राखी भी बंध रही थी, बीच में हंसी मजाक भी चलती जा रही थी, क्योंकि जब मिलते हैं घर में तो हल्की फुल्की हंसी मजाक चलती रहती है घर में, और मेरे साथ तो एक परेशानी ये हुई कि मेरा कैमरा ही नहीं यहाँ काम कर रहा था, फ़ोन ही अचानक से ऐसा ख़राब हो गया, तो इसलिए मेरे से काफ़ी ढंग से बन भी नहीं पाई वीडियो, जैसे कैसे भी बनी मैंने वो बनाई, तो फ़ोन तो इसने मुझे फ़ोन ने तो मेरे मोबाइल फ़ोन ने तो मुझे काफ़ी परेशान किया, मैं अच्छे से बना भी नहीं पाई, मैं काफ़ी कुछ मतलब ढंग से बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे भी मेरे से बनी है तो प्लीज़ उसे ही आप उसे इग्नोर करना, अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि मैंने ढंग से नहीं बनाई है वीडियो या फोटो, और मेरे क्या कहते हैं लोग, मैंने जिस पर्पज़ से बनाया है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी ही ये ब्लॉग फैमिली का आप मेंबर भी बने, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, तो इसी तरह जैसे मैं अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से त्यौहार मना रही हूँ और शामिल हूँ, तो आप भी इसी तरह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी हर त्यौहार को मनाते रहिए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप आगे भी अपना ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो देखते रहिए, बने रहिए।
मुझे काफी खुशी हो रही थी इतने दिन बाद आकर कि एक घर में इतने दिन बाद आऊँ तो काफ़ी कुछ बदला सा भी लगता है। साल भर मुझे घूम गया था, किसी मतलब एक काम में इतने बिजी रहते हैं, अपने घर में छोटे मोटे काम लगे रहते हैं, इतने मतलब इतनी दूरी पर भी नहीं है मेरा मायका, फिर भी एक डेढ़ घंटे का ही रास्ता है, लेकिन फिर भी आया नहीं जाता है। तो जैसे कि त्यौहार पर मैंने कहा कि समय निकाल कर हम आए तो काफ़ी खुशी हुई हमें, और यही है कि अब हमारा जल्दी जल्दी आना नहीं होता पहले तो, बल्कि जब बच्चे छोटे थे जब हम फिर जल्दी जल्दी आ जाते थे, लेकिन यही है जब बच्चे बड़े हो गए जॉब करने लगे अब ऐसा है अब और नहीं आया जाता। पहले तो ये है कि हम जल्दी जल्दी बच्चों की जहाँ छुट्टी हुई भाग के आ जाते थे अपने मायके, और बच्चे भी चलो मम्मी मामा के घर जा रहे हैं, चलो मम्मी नानी से मिलने जा रहे हैं, और अब जबकि बच्चे भी नहीं रहते तब भी पता नहीं क्या है, जैसे काम के सिलसिले में लगे रहते हैं बिजी। किचन में भी सब खोल रहा है। देखिए काफ़ी मेहमान आए हुए थे तो हमारी भाभी भी व्यस्त है काम में, वैसे तो कई लोग हैं घर के मेंबर की तरह ही काम करने के लिए, लेकिन फिर भी घर में खुद भी लगना पड़ता है जब चार लोग घर में आ जाएं, यही है। तो इसलिए काम में बिजी होते हुए भी हम हमारे साथ भी बीच बीच में हंसी मजाक चल रही थी, बातचीत हो रही थी, हमारा भी ध्यान घर का भी ध्यान, और ये भी है साथ में मैं आपको बता दूं हमारी भाभी डॉक्टर हैं तो पेशेंट को देखती हैं तो काफ़ी बिजी रहती हैं, लेकिन हमारा ध्यान रखती हैं और हमें पूरा समय देती हैं। आज तो वैसे उन्होंने अपने नर्सिंग होम में छुट्टी रख रखी थी, फिर भी ऐसा हो जाता है ना कि चाहे कितनी छुट्टी रखो तो इमरजेंसी में तो पेशेंट जो आते हैं उन्हें देखने ही पड़ते हैं, तो बस यही है सब कुछ मिलजुल के अच्छे से चल रहा था ये देख के हमारी बच्चे की, और हमने तो पहले ही राखी बांध दी है, आपको पता ही है बेटियाँ टाइम ही लगाती हैं, छोटा बच्चा नहीं तो देखने में टाइम लग जाता है। भतीजी जो अपनी ससुराल से राखी लाई थी बांधने के लिए भतीजे को, तो वो हमें दिखा रही थी चल रहा था बस, और ये देखिए क्या दुकान सी लगा रखी है राखियों की, तो हम कह रहे थे काफी सुंदर हमें राखियां लग रही थी तो हम यही राखियां देख रहे थे, और ये कह रहे थे कि कितनी प्यारी प्यारी राखियां हैं, तो हम तो बांध ही चुके थे बस उन्हें ही बांधना बाकी था, वो उसे ही बांधनी थी भाई को राखी, और साथ में हम लोग तो बांध चुके हैं और हमारी भाभी हैं तो वो भी अपने भाइयों को राखी बांधने जाएंगे, उनके भाई तो खैर लोकल में ही रहते हैं लेकिन फिर भी अपने घर से जैसे हम आए हैं पहले हमारे से राखी वगैरह बंधवा कर सारा काम वगैरह निपटा कर देख कर फिर अपने भाइयों के पास जाएंगे राखी बांधने के लिए, तो ये सब तैयारी ही इस बीच में चल रही थी, जिस जिसका जो काम था वो कर रहे थे, राखी बांधने वाले राखी बांध रहे थे और अपनी तैयारी भी कर रहे थे सब लोग अच्छे से, और ऐसे ही होता है तीज त्यौहार पर तो कोई कहीं लगा रहता है बातचीत में, कोई कहीं हंसी मजाक सब चलती रहती है, खुश नुमा सा माहौल होता है। ये त्योहारों पर जाते हैं तो बस यही है, ज़्यादा दिन तो हम रुक नहीं पाएंगे, बस एक रात रुके, भाभी तो कह रही थी रुक जाओ, लेकिन यही है कि अपने घर के भी काम ऐसे होते हैं कई ज़रूरी है तो फिर जाना ही पड़ता है, हमने कहा चलो फिर आ जाएंगे, तो अभी तो खैर तीज त्यौहार है, अभी तो ये देख रहे थे हम ये भतीजी कब को राखी बांधेंगे, हम तो बांध ही चुके हैं, ये देखी दीवार पर लगा हुआ ये शो पीस था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैंने कहा एकदम एंटिक्स है तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये, तो मैं यही देख रही थी, मैंने कहा बहुत ही प्यारे प्यारे लगा रखे, पहले तो दूसरे लग रहे थे ये, अब दूसरे लगा दिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं पूछ रही थी मैंने कहा आप इसे ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा, राखी बांध दी काफ़ी दिनों के बाद भतीजे से मिलना हुआ है हमारा, क्योंकि बच्चे कोई जॉब के सिलसिले में कोई अपने काम के सिलसिले में सब भारी रहते हैं, तो ये जब हम साल भर में आते हैं तो तभी मिलना हो पाता है, वैसे तो अक्सर वैसे हर साल भैया दोज पर भी
ये हमारे भैया और भतीजे वगैरह भैया दूध लेकर आते हैं, या जब मिलना हो जाता है या बीच में कोई ज़रूरी काम हो तो तब मिल लेते हैं। तो कितने दिनों बाद मिलना होता है, तो ये है गपशप में भी मतलब काफ़ी टाइम लगता है, पता ही नहीं चलता बातें बनाते बनाते कितने ही टाइम बीत गया। तो सब मिलकर बात हम इकट्ठे होकर बनाते हैं तो पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया।